सो हेलो, इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में, जिसको हम विल्किंसन कैटलिस्ट भी बोलते हैं। ओके, तो विल्किंसन कैटलिस्ट के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप मेरे चैनल पे जो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट है उसमें जाके देख सकते हो। ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाया है, तो वो वीडियो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था कि मीन्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से कौन से क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको किस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। ओके, तो इसमें हम रिएक्शन देखेंगे, एग्जांपल और आपका प्रोडक्ट होगा। इसमें मैकेनिज्म इतना ज़्यादा मीन्स है नहीं, आपको प्रोडक्ट के ऊपर इसको ज़्यादा ध्यान देना है। ओके, तो मेरी राय है कि आप पहले वो वीडियो देखिए, बिकॉज इसमें इसका जो हाइड्रोजनेशन का मैकेनिज्म है, फिर रिडक्शन का मैकेनिज्म है, वो यहाँ पे मैं पूरा डिस्कस नहीं करूँगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पे प्रोडक्ट की बात करूँगा, बिकॉज ऑलरेडी इसका जो हाइड्रोजनेशन या फिर रिडक्शन का मैकेनिज्म है, तो मैंने वो मैकेनिज्म ऑलरेडी वहाँ पे डिस्कस किया। और साथ ही साथ वहाँ पे मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी डिस्कस किए जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आए थे, गेट और नेट के। ओके, तो इसको उस वीडियो को पहले देखिए, उसके बाद यहाँ पे आइए, ताकि हम बात मोस्ट ऑफ जो एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कवर करने की ट्राई किया हो तो आपको समझ आए। ओके, तो विल्किंसन कैटलिस्ट, अगर जिनको पता नहीं उनको बता देता हूँ कि जो विल्किंसन कैटलिस्ट होता है, तो उसका जो फॉर्मूला है या फिर इसका जो नोटेशन है, वो रोडियम PPH3 राइस Cl। ओके, ये होता है रोडियम है, रोडियम के ऊपर तीन PPH3 ग्रुप है, तो PPH3 होता क्या है आपका, ये PPH3 होता है ट्राइफिनाइल फॉस्फिन। ओके, एक PPH3 से हुआ, ऐसे और तीन PPH3, ऐसे और दो PPH3 रोडियम के ऊपर लगे, क्लोरीन होता है। तो ये स्क्वायर, ये 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। ओके, तो ये आपका क्या करता है, रिडक्शन करता है। तो इसके दो तीन एप्लीकेशन मैंने इस वीडियो में यूज़ किए, ज़्यादा इसका मेन एप्लीकेशन रिडक्शन, जो मैंने उस वाले वीडियो में डिस्कस किया, ज़्यादा इसका यूज़ रिडक्शन ऑफ अल्किन में यूज़ होता है। ओके, तो इसको जनरल प्रिपरेटिव मेथड बता देता हूँ शॉर्ट में। आपके पास रोडियम ट्राईक्लोराइड है। ओके, इसको हम ट्रीट करते हैं PPH3 एक्सेस में ट्रीट करते हैं, और इसको एज अ बेंजीन में एज अ सॉल्वेंट लेते हैं, और आपको क्या मिलता है, रोडियम PPH3 थ्राइस क्लोराइड। ओके, क्लोराइड, तो ये आपका विल्किंसन कैटलिस्ट है। और इसके जनरली सॉल्वेंट कौन से इसमें यूज़ होते हैं, बेंजीन एक यूज हुआ जो हमने देखा, टॉलिन, बेंजीन और जाइलिन। ओके, इस तरह से कॉम्प्लेक्स होगा, रोडियम पी पी क्लोरिन और पी, यहाँ पे पी इक्वल टू PPH3 में शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ओके, स्वेयर प्लेनर प्लस 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, इसमें रोडियम प्लस वन स्टेट में। ओके, तो इसका फर्स्ट एप्लीकेशन, जो ज़्यादा मेजर एप्लीकेशन हमारे सिलेबस में एग्जाम में आता है, जिसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी, तो वो है हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्किन, अल्किन और अल्काइन, मतलब रिडक्शन ऑफ अल्किन और अल्काइन। ओके, मतलब आपके पास अल्किन है, आप इसको अगर ट्रीट करते हो अल्किन के साथ, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ H2, तो ये क्या करता है, इस तरह से हाइड्रोजन ऐड करता है, तो रिडक्शन का काम करता है अल्किन का। ओके, तो इसका जस्ट मैकेनिज्म मैं बता देता हूँ, अभी ड्रॉ नहीं करूँगा, बहुत टाइम उसमें जाएगा, पूरा कैटलिटिक साइकिल है। फर्स्ट स्टेप में आपका जो मेन कैटलिस्ट है विल्किंसन कैटलिस्ट, वो पहले डिसोशन में जाता है, एक PPH3 निकल जाता है, आपका एक्टिव कैटलिस्ट बनता है, एक्टिव कैटलिस्ट, उसके बाद आपका H2 ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है, देन लिगेंड एसोसिएशन होता है। ऑक्सीडेटिव एडिशन होने के बाद यहाँ पे आपकी 20 स्पीशीज बनेगी, मान लेते ए स्पीशीज है, फिर 20 स्पीशीज बनती है, लिगेंड एसोसिएशन होता है, लिगेंड एसोसिएशन बनने के बाद सी होता है, सी बनने के बाद आपका माइग्रेटरी इंसर्शन होगा, देन डी स्पीशीज बनेगी, डी स्पीशीज बनने के बाद आपका रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा, ई स्पीशीज बनती है रिडक्टिव एलिमिनेशन, और ये फिर से रिडक्टिव एलिमिनेशन के बाद आपकी फिर से इस तरह से होती है। मीन्स ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है, लिगेंड एसोसिएशन होता है, आपका अल्किन आता है स्पीशीज में, इस स्टेप में लिगेंड एसोसिएशन में अल्किन आता है, देन माइग्रेटरी इंसर्शन होता है, उसके बाद रिडक्टिव एलिमिनेशन होके आपका फिर से एक्टिव कैटलिस्ट मिलता है, ना कि विल्किंसन कैटलिस्ट मिलता है। ओके, PPH निकल जाता है। तो इसको मैंने शॉर्ट में बताया आपके, इसके लिए, इसको देखने के लिए आप मेरा पुराना वाला वीडियो देख सकते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में, या फिर मैं इसको जो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन होगा इसके कमेंट इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, तो उसमें मैंने सिलेक्टिविटी बताई थी कि ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है। ओके, जनरली इसको अल्किन अल्किन और अल्काइन के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसकी रिड्यूस सिलेक्टिविटी क्या है, लेस क्राउडेड साइट पे अटैक करता है। ओके, लेस क्राउडेड अल्किन्स पे, लेस क्राउडेड डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा। ओके, कॉन्जुगेशन से ज़्यादा आइसोलेटेड डबल बॉन्ड पे अटैक करता है। तो फर्स्ट एग्जांपल है ये, देखिए दो अल्किन है हमारे पास, लेकिन ये ज़्यादा सब्स्टिट्यूट है, तो इसका जो रिडक्शन होगा इस पे होगा। ओके, तो ये अनअफेक्टेड रह जाएगा, बस इतना ही इसका प्रोडक्ट। ओके, इतना ही होगा इसका प्रोडक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये कॉन्जुगेशन में है इस तरह से। ओके,
एक कॉन्जुगेशन करता है, अगर कोई दूसरा मीन्स अगर आपके पास कॉन्जुगेटेड और कॉन्जुगेटेड और आइसोलेटेड है तो आइसोलेटेड करेगा, अगर सिर्फ कॉन्जुगेटेड है फिर डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा, कीटोन को मीन्स कार्बोनिल ग्रुप को इफेक्ट नहीं करता। ओके तो इसका प्रोडक्ट जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा, डबल बॉन्ड अनइफेक्टेड ये वाला कॉन्जुगेटेड वाला, और इस तरह से यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा। ओके नेक्स्ट देखते हैं, हाँ ये वाला एग्जाम्पल देखिए, OH है और ये डबल बॉन्ड है, तो इसमें सिलेक्टिवली इसकी जो सिलेक्टिविटी है वो अलाइलिक अल्कोहल के लिए। ओके तो इसका प्रोडक्ट ये वाला हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे देखिए आइसोलेटेड डबल बॉन्ड भी है और कॉन्जुगेटेड है, तो किसको रिड्यूस करेगा, ये कॉन्जुगेटेड कैसे रहेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। ओके इस तरह से, और लेस क्राउडेड साइड से देखें, अभी यहाँ पे मैंने स्टीरोकेमिस्ट्री थोड़ी मेंशन की है कि नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए आपका जो CH3 अबव द प्लेन और यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे H2 की जगह D2 मीन्स ड्यूटरेशन किया है, तो जो ड्यूटरेटेड प्रोडक्ट होगा वो किस तरफ से आएगा, लेस क्राउडेड साइड से, तो ये पीछे से साइड से आएगा, ये पीछे साइड से, तो यहाँ पे थोड़ी स्टीरोकेमिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो रिडक्शन वाला पार्ट है बहुत ईजी, बस आपको हाइड्रोजन ऐड करना है डबल बॉन्ड में। उस वीडियो में मैंने मेंशन की किसको ज़्यादा स्पेसिफाई करता है किसको ज़्यादा स्पेसिफाई नहीं करता, मीन सिलेक्टिविटी। ओके तो ये जनरल है, इसके साथ एक और कैटलिस्ट है वो आगे मैं डिस्कस करूँगा, बिकॉज इसके और दो तीन एप्लीकेशन है रिडक्शन करने के अलावा, ये दो तीन रिएक्शन और भी दिखाता है। ओके ये देखिए एक और एग्जांपल है, तो आपके पास है अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन भी है, लेकिन आपके पास दो ऑप्शन है, ये भी कॉन्जुगेशन में ये भी कॉन्जुगेशन, मतलब सिलेक्टिवली आपको एक ही डबल बॉन्ड को करना है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये डबल बॉन्ड थोड़ा क्राउडेड, बिकॉज यहाँ पे क्या है ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे अटैच है, तो ये ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है एज़ कम्पेयर टू दिस, तो इसको ये ड्यूटेरेटेड करेगा मीन्स रिडक्शन करेगा, और यहाँ पे ड्यूटेरियम आएगा। ओके अभी नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है रिडक्शन मीन्स, नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है हमारा, डीकार्बोनिलेशन। डीकार्बोनिलेशन मीन्स ये लॉस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप भी दे सकता है, लॉस ऑफ CO, इस रिएक्शन को तुजी विल्किंसन डीकार्बोनिलेशन भी बोलते हैं। डीकार्बोनिलेशन मीन्स आपका CO ग्रुप निकल जाता है, डीकार्बोनिलेशन मीन्स आपके पास एल्डिहाइड होगा, आप उसको विल्किंसन के साथ, विल्किंसन कैटलिस्ट के साथ ट्रीट करते हो तो आपका RH मिलता है इस तरह। अगर आपके पास बेंजल डिहाइड है, CHO है, आप इसको विल्किंसन के साथ ट्रीट करते हो तो आपको बेंजीन मिलेगा, मीन्स यहाँ के CO कार्बन और ऑक्सीजन माइनस CO हो जाएगा और आपका फिर से बेंजीन मिल जाएगा। ओके सिमिलरली ये कंपाउंड है आपके पास, ओके इस तरह से आप इसको विल्किंसन के साथ ट्रीट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, ये वाला पार्ट मिल जाएगा, बस ये वाला पार्ट पूरा हट जाएगा, ये हाइड्रोजन इस पर अटैच हो जाएगा। सिमिलरली एक और है, अगर आप एसिड क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हो यहाँ पे भी रिडक्शन मीन्स एलिमिनेशन हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन। तो इसका जो मैकेनिज्म है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा कि किस तरह से ये रिड्यूस होता है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हमारा RPPH3 thrice, ओके क्लोरीन, तो फर्स्ट स्टेप में क्या आपका एक्टिव कैटलिस्ट बनेगा, एक माइनस PPH3 निकल जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, RPPH3 twice Cl। ओके टी शेप की स्पीशीज मिलती है, विल्किंसन के मेरे पुराने वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया है कौन सी स्पीशीज होती है, कितना इलेक्ट्रॉन वाला स्पीशीज है। उसके बाद आता है आपका RCOX मतलब एसिड क्लोराइड की स्पीशीज, और ऑक्सीडेटिव एडिशन हो जाता है, ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा तो आपका X यहाँ पे आ जाएगा, CR, यहाँ पे P है, PPH3 है, यहाँ पे PPH3 है और यहाँ पे क्लोरीन है। ओके ऑक्सीडेटिव एडिशन हो गया, देन उसके बाद आपका माइग्रेटरी इंसर्शन होगा, माइग्रेशन वाला स्टेप। अभी माइग्रेशन वाले स्टेप में क्या होगा, माइग्रेशन वाले स्टेप में ये आर ग्रुप यहाँ पे माइग्रेट करेगा, मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे एक वैकेंट साइट है वहाँ पे माइग्रेट करेगा, तो इसको मैं थोड़ा प्रॉपर वे में बनाता हूँ, यहाँ पे पी है, यहाँ पे पी है, और पी इक्वल टू PPH3 में यहाँ पे लिख देता हूँ, काफ़ी मीन्स थोड़ा टाइम लग रहा है, टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है। PPH3 यहाँ पे X है, यहाँ पे क्या बनेगा, CO बन जाएगा, जैसे R इस वैकेंट साइट पे मीन्स ले लेगा, R की पोजिशन जाएगी, इसकी वजह से यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा और यहाँ पे आर ग्रुप, ओके ये वाला पोजिशन बना। और लास्ट स्टेप है आपका रिडक्टिव एलिमिनेशन, रिडक्टिव एलिमिनेशन तो इसमें क्या निकल जाएगा, आपका RX निकल जाएगा, RX निकल जाने के बाद मतलब आपको क्या मिला, देखिए R और X मिला, ओके मतलब यही प्रोडक्ट मिला, ये आपका R था और आपका X था और आपका CO निकल गया।
और इसमें आपको क्या मिलेगा एंड में प्रोडक्ट, PPH3 था, PPH3 है, क्लोरीन है और एक CO, तो ये स्पीशीज बच जाती है ओके और ये आपका प्रोडक्ट निकल के आता है। तो ये जनरल मैकेनिज्म है डीकार्बोनिलेशन का ओके। तो इसके एग्जांपल देखते हैं किस तरह से, मीन्स जो मैंने अभी चार एग्जांपल देखे थे, ये 7 था, ये 8 है, ये 9 है और ये 10 है। तो ये जनरल मैकेनिज्म है डीकार्बोनिलेशन का, मीन्स सिमिलर है नियर टू योर हाइड्रो मीन्स रिडक्शन ऑफ डबल बॉन्ड, सिमिलर है डिसोसिएशन, ऑक्सीडेटिव एडिशन, माइग्रेशन, रिडक्टिव एलिमिनेशन ओके। बस स्पीशीज थोड़ी अलग हो जाती है इसमें ओके। देन नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन कौन सा है, ये जैसे डीकार्बोक्सीलेशन डीकार्बोनिलेशन करता है, ये डी सल्फोनिनेशन भी करता है, डी सल्फोनाइलेशन। डी सल्फोनाइलेशन मतलब लॉस ऑफ SO2, लॉस ऑफ SO2 मतलब आपके पास ये वाली स्पीशीज होगी सल्फर RR-, आप विल्किंसन के साथ ट्रीट करोगे तो यहाँ से SO2 निकल जाएगा और आपका फिर से अल्केन बनेगा ओके। इसी तरह आपके पास ये वाली स्पीशीज होगी जहाँ पे हमने एसिड क्लोराइड लिया था, यहाँ पे सल्फर ले रहे हैं बस कार्बन की जगह। सिमिलरली आप इसको इसके साथ ट्रीट करोगे तो आपके फिर से ये क्लोरीन मिल जाएगा ओके। देन एक और हो सकता है ये वाला, आपके पास SO3 है, COCH3 है, विल्किंसन के साथ ट्रीट करते हो तो आपको इस तरह से ये पार्ट यहाँ पे अटैच हो जाएगा और आपको ये वाला पार्ट मिल जाएगा ओके। तो ये थोड़े मिस माइनर रिएक्शंस और बहुत सारी रिएक्शंस है, लेकिन मुझे दो तीन रिएक्शंस में ज़्यादा इंक्लूड करने, बिकॉज जब नेक्स्ट वाला कैटलिस्ट है वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी एलिमिनेशन ऑफ HOCl, HCOCl, इस तरह से फॉर्मल क्लोराइड। तो ये भी इस तरह से रिएक्शन दे सकता है, COCl है, आपके पास H है, तो H और COCl निकल जाएगा विल्किंसन के इसमें, HCOCl, और आपको क्या मिलेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड माइग्रेशन होगा ओके और आपको HCOCl मिल जाएगा। एक और रिएक्शन इसको ट्राई करते हैं हम, R pH होगा लेट से हमारे पास CH2, CH, COCl, विल्किंसन के प्रेजेंस में माइनस HCOCl, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमको इस तरह से ओके 1 2 3 और HCOCl। अभी हम कुछ जनरल एग्जांपल देखते हैं, साथ ही साथ एक कैटलिस्ट मुझे डिस्कस करना है जो एक्चुअली जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बार नेट के एग्ज़ाम में आया था ओके, जो कैटलिस्ट पूछा गया था ओके, एग्ज़ाम में पूछा आया था। तो एग्जाम्पल देखिए, विल्किंसन कैटलिस्ट है, डबल बॉन्ड और नाइट्रो ग्रुप है, तो इसका रिडक्शन क्या होगा, ये pH को डिस्टर्ब नहीं करेगा, NO2 को डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये बस डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा। नेक्स्ट एग्जांपल भी ऐसी ही है, pH है, एसिड ग्रुप है और डबल बॉन्ड है तो CO2 भी है ओके। ये सिंपल एग्जांपल है इसके। अभी ये वाला इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर विल्किंसन कैटलिस्ट में आप स्टरिकली लेस क्राउडेड साइड से अटैक करते हो तो उसमें भी सेलेक्टिविटी का प्रॉब्लम, लेकिन सेलेक्टिवली आपको बहुत 99% या फिर 98% एक ही टाइप का मीन्स प्रोडक्ट चाहिए, जिसमें आइसोमेरेज़ सेलेक्टिव बहुत ज़्यादा परसेंटेज चाहिए। तो एक कैटलिस्ट मीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने, वो भी इस एरिया में काम रिसर्च करते, उन्होंने कैटलिस्ट डेवलप किया, आपने उनका नाम भी सुना होगा, रॉबर्ट क्रैप्टी। तो उन्होंने जो कैटलिस्ट डेवलप किया था, ये वाला कैटलिस्ट जिसमें इरिडियम होता है, पिरिडिन है, PCY3 है, PCY3 मतलब PPH3 में जहाँ पे आपका बेंजीन होता है यहाँ पे बस साइक्लोहेक्सेन रिंग होती है, तो PCY3 ये हुए, PF4 है और COD, COD मतलब साइक्लोऑक्टाडाइन ओके। इस तरह से साइक्लोऑक्टाडाइन होगा, तो इरिडियम के साथ इन तीनों को कंबाइन कर जो कैटलिस्ट बना वो है क्रैप्टी कैटलिस्ट ओके। तो ये भी रिडक्शन करता है, लेकिन इसकी जो खासियत है, अगर वहाँ पे आपका हेटरो एटम है तो हेटरो एटम जिस साइड पे होगा मीन्स अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन, आपका जो कैटलिस्ट का जो रिडक्शन होगा उसी साइड से होगा, मीन्स हाइड्रोजन भी उसी साइड से जाएगा। मतलब मान लेते अगर ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में OH अबव द प्लेन है, तो यहाँ पे जो रिडक्शन होगा मीन्स हाइड्रोजन ऐड होगा तो वो भी अबव द प्लेन ही होगा सेलेक्टिवली। 98-99% आपको इस साइड से मीन्स सेलेक्टिवली एक आइसोमर बहुत ज़्यादा परसेंटेज में मिलेगा ओके। CH3 अबव द प्लेन है और हाइड्रोजन इस तरह से आपका ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे भी देखिए, ये इसकी खासियत है, वहाँ पे अगर आपका हेटरो आइटम है जिसके ऊपर लोन पेयर है, देखिए मैंने आपको हिंट दिया है कि एक लोन पेयर भी होगा, हेटरो आइटम कंटेनिंग लोन पेयर, तो आप सोच सकते हैं अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर ये वाला हेटरो आइटम लोन पेयर विद मेटल होगा आपके पास, तो
तो ज़्यादा चांसेस इस पार्ट होने की होती है, चिलेशन। ओके, मैं एग्जांपल सॉल्व करता हूँ, उसके बाद मैं डिस्कस करूँगा थोड़ा स्टीरियोकेमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। डबल बॉन्ड ओ एच, ओ एच अबव द प्लेन है, तो ओ एच अबव द प्लेन है, यहाँ पे एक ही अल्फा बीटा, तो डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा, तो हाइड्रोजन भी यहाँ पे ऊपर होगा। अभी हम बात करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री वाइज पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखेंगे। मान लेते हैं हमारे पास ये वाला साइक्लोहेक्सेन की बात है, साइक्लोहेक्सेन में ओके, ये ओ एच है, नीचे है आइसोप्रोपाइल ग्रुप है और मिथाइल ग्रुप है, डबल बॉन्ड है ओके। मैं इसकी बात कर रहा हूँ इस केस में, नो यहाँ पे इसकी बात है, इसकी बात है ओके। अभी यहाँ पे देखिए, जो आपका इरिडियम होगा वो चिलेट करेगा ओ एच के साथ। अभी जिस तरफ से इरिडियम है उसी तरफ से आपका, ऑब्वियसली आपको पता है कि रोडियम में भी और विल्किंसन में भी, जहाँ पे रोडियम है और जो एडिशन होता है उसी ने एडिशन सेम सेम साइड से एडिशन होता है, तो जहाँ पे इरिडियम अगर चिलेट करा ओ एच की साइड से, तो जो हाइड्रोजन आएगा वो भी उसी साइड से आएगा जिस साइड पे इरिडियम है। तो ऑब्वियसली अगर ओ एच अबव द प्लेन है तो इरिडियम भी उधर ही जा उस साइड से अटैच होगा, उससे चिलेट करेगा, और ऑब्वियसली हाइड्रोजन भी उसी साइड से जाके रिड्यूस करेगा। इसके लिए जो इसका प्रोडक्ट होगा, इन सब का प्रोडक्ट है, यहाँ पे मैं साइड में बता देता हूँ, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, वो भी ओ एच की मीन्स ओ एच के ऊपर होगा। तो ओ एच आपका इस पे है या आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, तो जो रिडक्शन होगा, जो हाइड्रोजन होगा वो अबव द प्लेन होगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ओ एच के साथ ही, एन एच टू के साथ, या फिर आपके पास अगर कोई, ऐसा नहीं कि सिर्फ ओ एच के, एन एच टू के साथ भी होता है, अगर कोई हेटरो एटम जिसके पास लोन पेयर है वो डोनेट करने की कैपेसिटी रखता है, इसके साथ भी कर सकता है ओके। सी ओ आर मिनिस्टर के साथ भी ये कर सकता है ओके। तो नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं 21 वाला, इसमें देखिए डबल बॉन्ड है और यहाँ पे एन एच टू, तो एन एच टू इस साइड है, तो आपका जो कैटलिस्ट होगा वो इरिडियम यहाँ पे इंटरेक्ट करेगा और हाइड्रोजन होगा वो यहाँ पे इंटरेक्ट करेगा, तो जो रिडक्शन होगा, जो दो कंपाउंड मिलेंगे आपको, आपके पास ऑप्शन क्या है, ए एन एच टू इधर होगा, आपके पास एक एम ई होगा बिकॉज सी एच टू एम ई, तो हाइड्रोजन इस साइड होगा और एम ई इस साइड होगा बिकॉज इरिडियम यहाँ से अटैच होगा, बिकॉज नाइट्रोजन यहाँ पे है, तो इरिडियम यहाँ पे होगा, नाइट्रोजन यहाँ पे होगा, तो हाइड्रोजन भी इसी साइड से आएगा ओके। तो हाइड्रोजन भी इसी साइड से आएगा, इस साइड में ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बिकॉज इसको मैंने इस वीडियो में डिस्कस क्यों किया विल्किंसन के साथ, बिकॉज ये क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ चुका है ओके। प्रीवियस ईयर का एक सी एस आर एग्जाम्पल है और वो भी 4 मार्कर क्वेश्चन था ओके। तो इसमें भी एन एच टू की वजह से इरिडियम इसके साथ भी चिलेट कर सकता है और आपका जो इरिडियम होगा इस साइड से आएगा और ये वाला प्रोडक्ट मेजर होता है ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेट एल्डिहाइड विल्किंसन है ओके, यहाँ पे रिडक्शन है बस विल्किंसन है, तो क्या बनेगा इसका, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा ओके। नेक्स्ट देखते हैं 23, देखिए क्रैबट्री डाला, क्रैबट्री का कैटलिस्ट है एच टू है, यहाँ पे ईस्टर है, यहाँ पे जो सी एच थ्री हो बिलो द प्लेन है और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है जो रिड्यूस करने की कैपेसिटी रखता है, अगर आपके पास हाइड्रोजन है ईस्टर है तो ये किसको रिड्यूस करेगा, आपके पास सी एच थ्री अबव द प्लेन है और हाइड्रोजन अबव द प्लेन चला जाएगा इसमें ओके, और सी एच थ्री बिलो द प्लेन चला जाएगा, सी एच थ्री की स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हो जाएगी बिकॉज आपका ईस्टर अबव द प्लेन है, तो आपका इरिडियम क्रैप्टी का कैटलिस्ट भी अबव द प्लेन से है और हाइड्रोजन का रिडक्शन भी अबव द प्लेन से होगा ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ है एग्जाम्पल, ये कितने हो गए 23, नेक्स्ट वी हैव 24, यहाँ पे देखिए विल्किंसन है, एल्डिहाइड है, विल्किंसन दिया है, हाइड्रोजन का रिडक्शन, एच टू डाला नहीं, अगर एच टू नहीं डाला होगा तो आपका जो भी डी कार्बोनिलेशन रिएक्शन, डी सल्फोनाइलेशन रिएक्शन वो होगी, तो इसमें भी क्या बनेगा, एक हाइड्रोजन का प्रोडक्ट बनेगा, बस हाइड्रोजन इसमें ऐड करना है और रिमूवल ऑफ सी ओ माइनस सी ओ डी कार्बोनिलेशन, लास्ट रिएक्शन भी ऐसी है सेम है, सी एच थ्री सी एच थ्री बेंजीन हाइड्रोजन डी कार्बोनिलेशन ओके। तो इस वीडियो में मुझे इतने मैंने प्लान के लिए इतने डिस्कस करने के, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपका क्रैबट्री कैटलिस्ट है बिकॉज ये ऑलरेडी एक बार सी एस आर नेट एग्जाम में आ चुका है, तो इस वीडियो को प्रॉपरली ध्यान से मीन्स इस एग्जाम्पल को कैटलिस्ट को देखिए, जिस साइड पे आपका ओ एच होगा चिलेशन होगा उसी साइड से उसका अटैक होगा, अगर ओ एच बिलो द प्लेन है, इसका एक और एग्जाम्पल हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है ओके। अगर ओ एच बिलो द प्लेन है और यहाँ पे डबल बॉन्ड और सी ओ है, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, एच टू क्रैबट्री कैटलिस्ट के साथ इस तरह से बनेगा, सी ओ एच
ओ एच, और यहाँ पे बिलो द प्लेन एच जाएगा। तो इसकी डिपेंडिंग अपॉन चिलेटिंग आपका लोन पेयर वाला ग्रुप कहाँ पे इंपॉर्टेंट, तो ये स्टीरियो केमिस्ट्री इस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद है इसको लाइक करिए, शेयर करिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।